लखीमपुर खीरी में किसानों के साथ हुई बर्बरता और हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के विवादित बयान पर संयुक्त किसान मोर्चा व कांग्रेसी कार्यकर्ताओं का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच गया और गुस्साए कार्यकर्ताओं ने आज रेवाड़ी के जिला सचिवालय के सामने न केवल जोरदार विरोध प्रदर्शन किया बल्कि यूपी और हरियाणा सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। साथ ही SDM को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंप मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर पर केस दर्ज कर बर्खास्तगी की मांग की। इस दौरान पत्रकारों से बातचीत में संयुक्त किसान मोर्चा के नेताओं ने लखीमपुर खीरी में किसानों के साथ हुई बर्बरता और मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के विवादित बयान की कड़े शब्दों में निंदा की और कहा कि लट से लोकतंत्र को नहीं लाया जा सकता और शक्तियों का दुरुपयोग करके कभी सच की आवाज को नहीं दबाया जा सकता। उन्होंने कहा कि देसी विदेशी कारपोरेट घरानों के हित में बनाए गए 3 कृषि कानून जब तक वापस नहीं होंगे किसानों का आंदोलन लोकतांत्रिक ढंग से पूरी ताकत के साथ जारी रहेगा। किसान मोर्चा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। किसानों के हत्यारों को फांसी दो फांसी दो। किसानों के हत्यारों को फांसी दो फांसी दो। जो भी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी नहीं चलेगी। मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी नहीं चलेगी। कट्टर तेरी तानाशाही नहीं चलेगी नहीं चलेगी। जब तक दुखी किसान रहेगा धरती पे तूफान रहेगा। जब तक दुखी किसान रहेगा धरती पे तूफान रहेगा। का नाम लिखा भरत शर्मा राठौर वो कॉलेज में आया था KLP में और दक्षिण हरियाणा के बारे में कुछ बात कह के गया था। उसका नतीजा है टोल भी फ्री करवाया और खट्टर का हेलीकॉप्टर जो उतरना था वो मीरपुर में उतरा तो मनोहर लाल खट्टर ने कल फिर बताया कि दक्षिण हरियाणा के तो किसान शरीफ है। हम शरीफ नहीं है। अब आप दिख रही है बस वो लाइट की वजह से यार। जो यहाँ के हमारे जो लोकल नेता है उनको चेतावनी देते हैं कि हरियाणा में बदलाव रेवाड़ी में बदलाव आने लग गया है क्योंकि रेवाड़ी का सब मोर्चा इतना मजबूत हो गया है कि परले जिलों के अब रेवाड़ी के जितने भी बीजेपी के नेता से मंत्री से उनको झंडी लगो के ले जानी पड़ेगी। ऐसा वक्त बीजेपी नेता को आने लग गया क्योंकि इन्होंने मनोहर लाल खट्टर ने जो कल लठवाड़ा बयान दिया है ये शर्मसार करने वाला बयान है और आपस में पाड़ने वाला बयान है। ये सरूसियाई पार्टी हिंदू मुस्लिम करनी चाहती थी और जो यूपी में मरे हैं रात ने टीवी पर कह रहा था कि हमारे 4 मर गए। अरे हिंदुस्तान के 8 मरे हैं 9 शहीद हुए हैं वो हिंदुस्तान के ना हमारे हैं ना तुम्हारे। धन्यवाद। सरकार किसान आंदोलन को कुचलना चाहती है उसका सबूत आपने कल देख लिया कि किस तरह केंद्रीय गृह राज्य मंत्री का बेटा और वहाँ गाड़ियाँ लेकर के गाड़ियों के काफिले के साथ किसानों को रौंदा है और उल्टी गाड़ी कर करके उन पर चढ़ाई है। 9 किसान अब तक शहीद। शुरू से ही ये सरकार चाहे वो प्रदेश सरकार है बीजेपी की चाहे केंद्र सरकार है इस किसान को चलना चाहती है। इस तरह का संदेश अपने कार्यकर्ताओं को पाठ पढ़ाते हैं कि किसान आंदोलन को अपने लट से कुचलो। इस तरह SDM ने वहां आदेश किया सिर खोटने का। इससे ये जग जाहिर है कि ये तानाशाही सरकार इनके पास कोई जवाब नहीं है किसानों की बात का इस देश की बात का। इसलिए ये किसी तरह लाठी गोली के दम पे दबाना चाहते ये संभव नहीं है और जितना ये दबाएंगे उतना ये आंदोलन विकराल होगा मजबूत होगा और निश्चित रूप से इस देश में विजयश्री हासिल करेगा और इस देश के लिए शुभ संकेत होंगे। ठीक है। संयुक्त किसान मोर्चा के राष्ट्रीय नेतृत्व ने कॉल किया था ये यूपी के अंदर गृह राज्य मंत्री के बेटे ने कारों के काफलों के साथ शांतिपूर्ण किसानों को कुचल दिया रोन दिया। उसके विरोध में एक तो हमने राष्ट्रपति महामहिम को ज्ञापन देकर मांग की है कि गृह राज्य मंत्री को बर्खास्त किया जाए और उसके बेटे और जो और गुंडे थे उनके ऊपर 302-120B का मुकदमा किया जाए FIR लॉन्च की जाए। अभी सुनने में आया है कि मुकदमा दर्ज हो चुका है। हमारी ये भी मांग है सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में SIT टीम का गठन किया जाए और कल 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी की जयंती के ऊपर ये सरकार और मुख्यमंत्री शांति अहिंसा का पाठ पढ़ा रहे थे। कल भाजपा कार्यकर्ता हुए एक मीटिंग में उन्होंने कहा 500-700 हज़ार लट तैयार कर लो जैसे का तैसा किसानों को सिर फोड़ो। तो किसी कार्यकर्ता ने कहा मुकदमे बनेंगे बोलो अंदर जेल में जाओगे नेता बन कराओगे। ये इस तरह का लालच कानूनविहीन जो समाज बनाने की तरफ ये जो संवैधानिक पदों पर बैठे हुए हैं इस तरह जो आगे बढ़ रहे हैं हम इसकी सख्त निंदा करते हैं। राज्यपाल को हमने ज्ञापन देकर ये मांग की है कि आप इसको तुरंत मुख्यमंत्री जो मुख्यमंत्री के लायक नहीं है इसको बर्खास्त किया जाए और हिंसात्मक अबेटमेंट करने के लिए उकसावा करने की जो कार्रवाई उन्होंने की है उसके खिलाफ
आईपीसी के तहत मुकदमा दर्ज किया जाए। कोई भी इस देश में राष्ट्रपति से लेकर के गरीब मजदूर तक कोई भी कानून से ऊपर नहीं है। आप इस देश को हम कानूनहीन समाज नहीं बनने देंगे। ये हमने ज्ञापन आज उपायुक्त की मार्फत भेजे।